तो फेल गेम फैमिली जॉन सीना और अंडरटेकर के बाद अब बारी है तीन अलग सेथ रॉलिंग्स की, तीन अलग रोमन रेंस को चैलेंज करने की। तो जैसा आपको याद होगा कि तीन तीन रोमन रेंस को अभी तक कोई नहीं हरा पाया है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज्यादातर लोगों ने बोला कि तीन अलग सेथ रॉलिंग्स लो, वो रोमन को पूरी टक्कर देंगे और हरा पाएंगे। तो चलिए आज के गेम प्ले में देखेंगे क्या तीन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस तीन रोमन रेंस को हराने में कामयाब होते हैं या नहीं। और तब तक फील गेम फैमिली अपना काम जानती है, एकदम फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो भाई, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबाओ, और फील गेम फैमिली में आपका स्वागत है। सबके पास स्टार्टिंग से दो दो फिनिशर आएगा, और आप लोग जान ही रहे हो कि ये टैग टीम एलिमिनेशन मैच है। शील्ड वाले सेथ रॉलिंस का ओवरऑल 100 मैंने देख लिया है, लेकिन फिर भी तीन तीन रोमन रेंस को हराना मुश्किल है, अभी तक ऐसा कोई नहीं कर पाया है। क्या आज सेथ रॉलिंस ऐसा कर पाएंगे? स्टार्टिंग में बिग डॉग को मार रहे हैं, एक भी रोमन को एलिमिनेट कर दिया, कुछ चांसेस बन जाएगा। दो तीन बारी मैं करवा चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई क्लोज भी नहीं आया है। तीन तीन रोमन को हराने के लिए पहला फिनिशर सेथ ने लगाया स्टॉम्प। बिग डॉग एलिमिनेट नहीं हुए हैं, लेकिन हेल्थ चली गई है। पिनफॉल नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होगा, इतनी जल्दी ऐसे नहीं होने वाला है। सेथ ने काफी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया है मैच, और ट्राइबल चीफ को भी लगा दिया, ट्राइबल चीफ को भी फिनिशर, लेकिन भाई ट्राइबल चीफ है यार, रिवर्स कर दिया ट्राइबल चीफ ने। सेथ का एक फिनिशर भी छीन लिया, ट्राइबल चीफ आए, अपनी टीम के मेंबर को बचाया भी, प्लस साथ ही साथ फिनिशर भी छीन लिया, वरना एक सेथ रॉलिंस कांड कर सकते थे। बिग डॉग का हेड डैमेज कर दिया है, ये शील्ड वाले सेथ खतरनाक जा रहे भाई, शायद सेथ की टीम को जिता दे। बिग डॉग को कुछ करने ही नहीं दिया है, वो तो ट्राइबल चीफ आ गए, वरना एक और फिनिशर पड़ सकता था बिग डॉग को। मिसाया आ चुके हैं, विजनरी बाहर इंतजार कर रहे हैं, फिनिशर छीन लिया रोमन ने, सेथ का फिनिशर छीनाया जा रहा है। स्टार्टिंग में अच्छे जा रहे थे सेथ, लेकिन अभी भी बाजी सेथ के पास है। बिग डॉग ने रिवर्स किया, बिग डॉग को भागना चाहिए, एक फिनिशर और। हाँ, 2019 वाले रोमन को टैग मिला है, और ये घुसते के साथ गिलेटिन। बस यही जो ये रोमन की कोऑर्डिनेशन है ना, तीन की तीन तिगाड़ा, बाकी सब का काम बिगाड़ा। शील्ड वाले सेथ ने ओपनिंग अच्छी की थी, मिसाया गड़बड़ी कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमिनेशन कहीं सेथ की टीम का नहीं हो जाए। बहुत लंबा ड्रैग रिवर्स होना ही था, इतना लंबा खींचोगे सेथ तो यही होगा। दौड़ाने का भी ऑप्शन दिया था सेकंड के लिए टीम, फर्स्ट एलिमिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन मिसाया कभी भी जा सकते हैं। दो फिनिशर लग गया, पिनफॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉकआउट हो सकते हैं। तीनों सेथ और तीनों रोमन रिंग में थे, लेकिन ट्राइबल चीफ बाहर चले गए, बोले मुझे ही सब पे पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं लास्ट में आके मैच ऐसे भी जिताने वाला हूँ। जो अभी दो गेम प्ले से अंडरटेकर और सीना नहीं कर पाए, क्या आज वो सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस कर पाएंगे? हालात अभी सेथ के कुछ सही नहीं लग रहे हैं, ऐसे ओवरऑल उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन जो 100 वाला सेथ है ना, वो सही खेल रहा था, शायद वो कुछ कर पाए। ये दोनों भाई रोमन गलत आदमी को मार रहे हो, लीगल आदमी मिसाया है, विजनरी लीगल आदमी नहीं है, काले पैंट वाले मिसाया है, लाल पैंट वाले विजनरी है, पैंट में भी लिखा हुआ मिसाया। मिसाया को मिल गया मौका एक एलिमिनेशन करने का, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रोमन की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एक एलिमिनेशन कर सकते हैं। स्टॉम्प के लिए जा रहे, शायद स्टॉम्प लगा दिया है, अगर रिवर्स नहीं हुआ, लेकिन हेल्थ बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, डैमेज करना स्टार्ट कर दिया सेथ ने, पिनफॉल नहीं होगा, ट्राई भी क्यों करते हैं, एक बार ऐसी ट्राई कर लेते हैं। एक ही फिनिशर लगा है, एटलीस्ट दो तो दे दो, एक और बैक टू बैक लगाना चाहिए था। मिसाइल के पास अच्छा मौका था, अभी भी सही जा रहे हैं, ड्रैग करके डबल टीम अप, रिंग के बाहर नहीं, डबल काउंट आउट हो जाएगा। ओ भाई डबल टीम अप, अच्छा ये सही है, बहुत लंबा खींच रहे 2019 वाले रोमन, रिवर्स होना ही था, इतना लंबा ड्रैग नहीं कर सकते हो, जबकि दौड़ाने का भी ऑप्शन है या पटकने का भी ऑप्शन है। डायरेक्ट ट्राइबल चीफ को टैग मिल जाए, जब रोमन की टीम हारने लगती है आ जाते हैं ट्राइबल चीफ, लेकिन इस बार ट्राइबल चीफ की चली नहीं पेडिग्री, ट्राइबल चीफ की भी हेल्थ जा रही है। डायरेक्ट फिनिशर लगाना चाहिए था, लेकिन कैमल क्लच सबमिशन, नॉर्मल सबमिशन है, टैप आउट तो नहीं करेंगे, लेकिन वीक कर दिया है। हारते हुए मैच में सेथ रॉलिंग से थोड़ा सा मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट किया है, अब बस टैग देना है, वरना ट्राइबल चीफ एलिमिनेट कर देंगे। ट्राइबल चीफ को आ चुका है गुस्सा, दो फिनिशर एक सिग्नेचर, भागो सेथ, बोला था भागने, गिलिटीन, एक सेथ का एलिमिनेशन हो गया मिसाया का, बच गए दो, भाई साहब मैंने बोला था, गुस्सा आ चुका है ट्राइबल चीफ को। सेकंड सेथ भी अब तब पे है, लो भाई अरे भाग का सब गॉड मोड एक्टिवेट कर लिया है, गिलिटीन स्पीयर गिलिटीन बैक टू बैक, तीनों सेथ को एक राउंड में मार दिया 5 सेकंड के अंदर। भाई साहब एक और गिलिटीन देने जा रहे थे, लेकिन
रिवर्स कर दिया किसी तरह। ओ हो भाई खतरनाक गुस्से में रिवर्स पे रिवर्स फिनिशर पड़ सकता है। चलो ट्राइबल चीफ को लगा स्टॉर्म एलिमिनेट नहीं हुआ है, लेकिन एलिमिनेट नहीं हुआ है, पिनफॉल भी नहीं होना चाहिए, बॉडी येलो ही है। तीनों रोमन बचे हुए हैं लेकिन सेट बच गए दो, विजनरी और शील्ड वाले। विजनरी आई थिंक स्टॉर्म के लिए जाना चाह रहे हैं। स्टॉर्म कांड हो सकता है, ट्राइबल चीफ एलिमिनेट, सेकंड स्टॉर्म बैक टू बैक रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया भाई। सेट की टीम को अगर जीतना है ना तो सबसे पहले फोकस करना होगा ट्राइबल चीफ के ऊपर। एक और सेट गए लगता है, एक और सेट गए भाई, विजनरी भी जा चुके हैं, एक सेट बच गए, दो एलिमिनेशन किया ट्राइबल चीफ ने और अब वो बाहर जा रहे हैं आराम करने। जो मैंने मजाक से बोला था वो सही हो गया है, ट्राइबल चीफ ने सोचा था अभी तो पिनफॉल नहीं होना चाहिए, तो ट्राइबल चीफ ने सोचा था मैं लास्ट पैक जिता दूंगा, तो लो भाई मैच के दो आदमी लोग को एलिमिनेट कर दिया, एक आदमी बचा है, लास्ट 1v3 करना, वो भी तीन तीन रोमन के साथ। खतरनाक क्लोज लाइन, 2019 वाले रोमन भी जलवा दिखा रहे हैं। ये वाले सेट का 100 है, शायद एक को एलिमिनेट कर, ट्राइबल चीफ को एलिमिनेट किया ना तो चांसेस बन जाएगा जीतने का। अगर शील्ड वाले सेट ट्राइबल चीफ को किसी तरह एलिमिनेट कर दे, नॉकआउट कर दे, काउंट आउट कर दे, पिनफॉल सबमिशन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि दो दो बाहर खड़े हुए बचाने के लिए, लेकिन नॉकआउट या काउंट आउट कर सकते, अगर ये कर दिया तब शायद, शायद तब भी बहुत ज्यादा हार्ड है लेकिन फिर भी थोड़ा सा चांस बन जाएगा। उसके लिए फिनिशर लगाना होगा जो रोमन लगाने नहीं देंगे। रिवर्स पे रिवर्स, ओहो भाई तीनों को एलिमिनेट करना है क्या रोमन को? दो एलिमिनेशन पहले ही कर दिया है ट्राइबल चीफ ने, ये तीसरा एलिमिनेशन भी ट्राइबल चीफ का हो जाएगा। सर दूरी तो मत ही बनाओ, दूरी बनेगी स्पीयर लगेगा। रोमन मजे ले रहे हैं शील्ड वाले सेट का। एक और फिनिशर, टाटा सिग्नेचर आ चुका है रोमन के पास, यानी ट्राइबल चीफ के पास। जैक हैमर गए क्या? बॉडी भी येलो हो चुकी है भाई, पिनफॉल नहीं होना चाहिए अभी भी, फुल टू वीक कर दिया है, लेकिन बस एक सिग्नेचर उसमें भी पिनफॉल हो सकता है। लो भाई पड़ गया सिग्नेचर, तीनों एलिमिनेशन का सुख ट्राइबल चीफ ही लेना चाहते हैं, फिनिशर भी आ गया है। चलो 2019 वाले लगते हैं रोमन एलिमिनेट करेंगे, सबके पास तो फिनिशर भाई, पिनफॉल अभी भी नहीं होता, लग ही रहा था क्योंकि बॉडी येलो और सर ऑरेंज ही, एटलीस्ट एक बॉडी पार्ट लाल रहे तब पिनफॉल हो सकता है। फिनिशर है, गिलिटिन कभी भी लग सकता है भाई, भागना होगा सत को। फिनिशर लगा दिया एक रोमन को एलिमिनेट, 2019 वाले को नहीं हुए एलिमिनेट, पिनफॉल तो होने से रहा भाई, अगर होने वाला भी रहता तो कोई ना कोई बचा ही लेगा, ऐसे भी ज्यादा पिटे नहीं है। नॉकआउट ही आखिरी रास्ता है शील्ड वाले सेट के पास, वो भी ये लोग करने देंगे नहीं, चांसेस कभी लग रहा है मेरे को। ट्राइबल चीफ को टैग मिला अब तो मैटर खत्म भाई, खत्म खत्म, कभी भी स्पीयर की लिटिन चलने ही वाला है। काउंट आउट कर सकते हैं शील्ड वाले सेट, 1v3 वो भी तीन तीन रोमन भाई साहब, इतिहास ही बना देंगे सर, यहाँ एक रोमन को हराना मुश्किल हो जा रहा है, तीन तीन को एक साथ, अगर दोनों भी काउंट आउट हो गए तब भी रोमनी की टीम जीतेगी क्योंकि आखिरी सेट बच गया, पांच ही काउंट है, अंदर जाओ दोनों प्लीज, अच्छा मैच है इसको खराब मत करना, काउंट आउट हो गए प्लीज नहीं, ट्राइबल चीफ अंदर लेके जाओ, सेट अंदर जाओ, सेट अंदर, हाँ ठीक है जो अंदर करना है करो भाई, यही मौका है सेट, कुछ ब्लैक मैजिक, शायद ये सिग्नेचर के बाद शायद ट्राइबल चीफ एलिमिनेट हो सकते हैं, शायद नॉकआउट हो जाए। कनेक्ट कर दिया ब्लैक मैजिक लेकिन एलिमिनेट नहीं हुए, पिनफॉल नहीं करने देंगे भाई, दो दो बाहर खड़े हुए हैं, बिग डॉग ने बचा लिया, ऐसे भी नहीं होने दे, यही तो एडवांटेज है, सामने सामने एलिमिनेट करने वाले ट्राइबल चीफ गए, रिवर्स कर दिया भाई क्या करे सर, थोड़ी सी कोशिश भी कर रहा है रोमन रिवर्स कर दे रहे हैं। बिग डॉग को टैग नहीं मिल रहा है, स्टार्टिंग में बिग डॉग पिट गया ना, उसके बाद ट्राइबल चीफ ने और 2019 वाले रोमन ने टैग देना बंद कर दिया है। एक आदमी को तो एलिमिनेट करो सर, तब थोड़े से चांसेस बन सकते हैं, वरना अभी तो कुछ लग ही नहीं रहा है। रिंग के कॉर्नर में भी ले जाके पंचेस मार रहे हैं भाई रोमन, मैंने बोला ना शील्ड वाले सर का मजे ले रहे हैं ये तीनों।
सेथ अभी भी है, थोड़ा सा चांस है अभी भी, लेकिन सिग्नेचर फिनिशर नहीं भाई के पास। एक आखिरी उम्मीद है कि जल्दी से सिग्नेचर लाओ तो शायद कुछ हो सकता है। फ्रॉग स्प्लैश के लिए जा रहे हैं, सिग्नेचर आ गया, फिनिशर भी आ गया सेथ, एक एलिमिनेशन कर सकते हैं ये गए, 2019 वाले रोमन जा सकते हैं। स्टॉम्प रिवर्स कर दी भाई, किस्मत ही खराब है और सामने रोमन रेंस है। पिनफॉल, सर लाल हो चुका है, बिना फिनिशर दिए एलिमिनेट कर दिया है 100 वाले सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। तो भाई तीन तीन सेथ भी नहीं जीत पाए। कमेंट करके बताओ और कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसका दो तीन रूप तीन तीन रोमन या चार चार रोमन को हरा सकता है, सीना, अंडरटेकर और सेथ को छोड़कर, क्योंकि ये तीनों का हो गया। एक भी रोमन एलिमिनेट नहीं हुआ भाई, ये तो अपने में एक अचीवमेंट हो गई ट्राइबल चीफ की, इसीलिए किंग है भाई 2K22 के अभी भी। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखो, सेफ रहो, जाने से पहले लाइक कर लेना भाई वीडियो को और अपने आइडियाज आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।